मेरा नाम मुंशी माजिद अली है। मैं कन्वीनर हूँ जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज और इंजीनियर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी का। आज ये जो यहाँ पे प्रोटेस्ट प्रोग्राम मुनाकद हुआ है, इसी कोऑर्डिनेशन कमेटी के वसादत से मुनाकद हुआ है, जिसमें हमारे TDL, PDLs, लाइनमैन, मीटर रीडर्स और इंजीनियर्स हर कोई शामिल है, जिसका मेन मुद्दा और मकसद सिर्फ एक है, जो गवर्नमेंट का प्रपोजल है जॉइंट वेंचर कंपनी प्राइवेट कंपनी बनाने का पावर डिपार्टमेंट और पावर ग्रिड के दरमियान, ये प्रपोजल शेल्व किया जाए। 2019 में पावर डिपार्टमेंट को अनबंडल्ड करने के टाइम पे जो भी हमारे साथ वादे किए गए कॉरपोरेशन बनाने के टाइम पे, उन सारे वादों को जो गवर्नमेंट को अपने ऑर्डर के तहत उन्होंने इशू किए हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन की जाए, जिसमें हमारे TDL PDLs की रेगुलराइजेशन है, हमारे जो नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज है उनकी DPCs कन्वीन करनी है, हमारे जो इंजीनियर साहिबान हैं उनकी रेगुलराइजेशन कन्वीन करनी है, क्रिएशन ऑफ पोस्ट है, और तीसरा जो हमारी सैलरी है जो हमें इस टाइम ग्रांट एड के तौर पे दी जाती है, जिसके लिए हमें भीख मांगनी पड़ती है गवर्नमेंट के सामने, हर महीने सेक्टर जाना पड़ता है कि हमारी जायज सैलरीज वागुजार की जाए, वो हमें एट पार विद एनी अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई वागुजार की जाए, और जो हमारे एम्प्लॉयज चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं जिसमें हम 50% के भागीदार हैं, और 281 पोस्ट में से सिर्फ 9 लोग जम्मू कश्मीर के 9 बाशिंदे वहां पे काम कर रहे हैं, उस पर एक वाइट पेपर जारी किया जाए कि ऐसा क्यों है। सिर्फ ये 4 पॉइंट्स हम गवर्नमेंट के सामने रखे हुए हैं और इनका इजाला चाहिए।